वेलकम टू आयोन टेक। दोस्तों, गूगल मैप्स आपके हर एक मूव को ट्रैक करता है, डेटा को स्टोर करके आपको रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट की जानकारी भी देता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है यूजर का लोकेशन। अगर आप भी चाहते हैं कि गूगल आपकी लोकेशन हिस्ट्री को अपने आप डिलीट कर दे, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, गूगल लोकेशन हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यदि आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो गूगल 18 महीने की हिस्ट्री को रखने के बाद बाकी की हिस्ट्री को अपने आप डिलीट कर देगा। अगर आप दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो गूगल 3 महीने की हिस्ट्री रखने के बाद बाकी हिस्ट्री को अपने आप डिलीट कर देगा। तो इस सेटिंग्स को करने के लिए हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे, वैसे ही आपको फॉलो करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने फोन पर गूगल मैप्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट मेन्यू आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ आपको योर टाइमलाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी टाइमलाइन ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको राइट साइड की ओर 3 डॉट मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। लेट्स गो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, लोकेशन सेटिंग्स पर जाएंगे। यहाँ आपको ऑटोमेटिकली डिलीट लोकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जब तक आप अपने हिस्ट्री को मैन्युअली डिलीट नहीं करेंगे तब तक आपकी हिस्ट्री डिलीट नहीं होगी। अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि गूगल 18 महीने की हिस्ट्री रखने के बाद बाकी हिस्ट्री को अपने आप डिलीट कर देगा। अगर आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो गूगल 3 महीने की हिस्ट्री रखने के बाद बाकी हिस्ट्री को अपने आप डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन को अगर सेलेक्ट करते हैं तो स्क्रीन पर आपको उसके बारे में बताया जाएगा। नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कैंसल और कन्फर्म। कन्फर्म पर क्लिक करके इस सेटिंग्स को पूरा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।